बिल्कुल यहाँ पे व्हीकल ब्लास्ट के कारण यहाँ पे नॉकआउट किया गया है। ये कुछ अच्छी यहाँ पे बोल सकते हैं मुश्किलों में, ये जो सर्कल का जो जाने का सिलसिला था उससे बच जाते तो मुश्किल में डाल सकते थे बाकी टीम्स को, बट इस दौरान ज़िगोट को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा फ्राइक ओपी की तरफ से। मैं कैसे वापस से बता देता हूँ, इसके बाद भी दो मैचेस बचे, मैं आऊंगा उसमें, लेकिन यहाँ पे जोनाथन को भी यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। थोड़ी सी टीम यहाँ पे बैकफुट पे अपने आप को पारी संभलना पड़ेगा, इस चोट पे संभल गए तो बाकी टीम्स को मुश्किल में डालेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर संभाल नहीं पाए तो हर तरफ से स्प्रेज आ रहे जो कि टीम टमाटो को इस मैच से एलिमिनेट कर सकती है। वेल एब्सोल्युटली, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ये उनका एक्शन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। अब बिल्कुल यहाँ पे मैं वापस से बता दूंगा गाइस, अभी भी यहाँ से दो मैचेस बचे रहेंगे तो बिल्कुल अभी कहीं मत जाएगा, सारे मैचेस को एंजॉय करना है। लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो यहाँ पे चैनल को, एंड गोल की बात करें 10,000 बहुत ज्यादा है, लेकिन 5,000 की तरफ यहाँ पे लाइक का गोल सेट करते देखते इस मैच के साथ पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। बर्गर फेंक के मारो या कुछ भी यूज करो, बट लाइक कर दो गाइस, आज 5,000 लाइक हम लोग कंप्लीट करते हैं आज की स्ट्रीम पे। नहीं बर्गर नहीं, बर्गर। मीनवाइल अभी एक सेंट्रल स्पॉट पे थी, फिर से कॉर्नर पर आ चुकी है, बट यहां से कॉर्नर आई थिंक इतनी मुश्किलें नहीं होने वाली है। क्लच गॉड की बारी आ जाती है, और जब बारी क्लच गॉड की आ जाती है तो फिनिश स्पीड में क्लच गॉड सिर्फ नॉक करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। दो बेहतरीन फिनिश पॉइंट जिनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, लेजिट की टीम जोन के बिल्कुल कॉर्नर से काफी लेट एंट्री ले रही थी, गेट कीपिंग सिनेरियोस में क्लच गॉड ने महारत हासिल कर ही रखी है, बट लेजिट की टीम भी काफी अच्छे ग्रेनेड्स कर रही है जो की ऑन पॉइंट जा सकते थे, बट ऑडियो क्यू यहाँ पर आ जाता टपाटप का जिस तरीके से यहां पर संभल कर अभी भी रुके हुए हैं। अब बारी आ जाती है जवाबी हमले की, अब जवाब बारी आ जाती है कुछ रिटालिएशन ट्रेड ग्रेनेड्स की, दोनों ही तरफ से ग्रेनेड्स के आदान प्रदान हो रहे हैं, बट ओपनिंग ग्रेनेड से नहीं निकली है, ये पायलट ग्रेनेड था हवा में फट गया और जो दूसरा किया वो काफी पीछे चला गया। बिल्कुल अगर आप बात करो ग्लोबल स्पोर्ट्स के आइकॉन वहाँ पे बिल्कुल ऐसे पोजीशन पे कि टपर टप को कभी भी मुश्किल में डाल सकते हैं, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि उनके तरफ से वो कॉल कब आएगा। तो इस तरह बात करें जूसी यहाँ पे नॉक हो गया, एंड वो एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे रिवील करना चाह रहे थे लेकिन उस दौरान उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया जाता है। ट्राई कर रहे हैं वो हर मुमकिन कोशिश बैक एंड साइड से, लजिट के प्रेशर यहाँ पे सर्कल का भी यहाँ पे पड़ा, ग्रेटी के मेंबर यहाँ पे बैक एंड साइड से जाते हुए देखने को मिले, लेफ्ट साइड से यहाँ पे मिल रहा, हर तरफ यहाँ पे बात करें क्लस्टर बन चुके, कोई भी किसी को मौका नहीं देना चाह रहे कि आप आगे की तरफ अपने आप को लेके जा सको। देखिए टीम टपाटप के लिए एक तोहफा आया एयर ड्रॉप के रूप में, बिल्कुल उनके सामने जाकर वो गिर गया, बट क्लच गॉड भी यहाँ पर थोड़ा सा टफ टाइम को डील कर रहे हैं, वो नॉकआउट हो चुके हैं, नियो को भी यहाँ पर डाउन कर दिया जाता है, इट्स ऑल अप टू जोनाथन, जिन्हें दो दो प्लेस को रिवाइवल भी देना, बट 2 दिन के अंदर आ जाती है टीम लेजेंड जो काफी देर से परेशान कर